सब सब पर है नजर हमारी। नमस्कार, मैं रश्मि प्रभाकर और आप देख रहे ATS न्यूज 11। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ, देखिए इसकी पूरी रिपोर्ट। चल गई आपको क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिकांत पांडे है। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम रिलायंस ट्रांसपोर्ट से ड्यूटी करके आ रहे थे। अच्छा, ये कैसे घटना हुआ? घटना सर, हम मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे, मेरा दोस्त चला रहा था। अच्छा। और ट्रक वाला पीछे से मार दिया। तो ट्रक पे क्या लदा हुआ था? खाली ट्रक था सर। खाली ट्रक था। और इसका जो मृत्यु हुआ, क्या नाम है इसका? इसका मृत्यु नाम है सुजीत कुमार। सुजीत कुमार। इनके पिता का नाम? पिता का नाम चंद्रशेखर प्रसाद। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप लोग, एक बार और बोलते बता दीजिए। अरे रिलायंस ट्रांसपोर्ट से आ रहे थे। तो सीधा करेंगे इसको, सीधा करिए आई कार्ड को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिकांत पांडे। बताइए। गाड़ी खाली था, बालू लादने जा रहा था। इसी क्रम में हुआ है घटना? इसके विलंब में हुआ। काफी तेज था? काफी तेज था वो। अच्छा ठीक है। मार कर वो भाग गया? यस सर, मार कर वो भाग गया। आप लोग एक ही बाइक पे थे? तीनों लोग? दो आदमी। दो लोग थे? यस सर। और कौन था एक लोग? एक सुजीत। अच्छा, चला कौन रहा था? सुजीत चला रहा था। केसवा होबे ना करेगा, केसवे से ना रास्ता उसका बनेगा जी। हां 10 लाख की। आइए हम सीधा बात करते हैं दरियट के सरपंच महोदय से। सर, क्या नाम है आपका? हां संजय कुमार है। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का घर का बगल के हैं सरपंच प्रतिनिधि हुए जी, और इनका मांग है कि 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। एक लड़का है, इनका कोई नहीं हुआ के बाद। अच्छा, बस इनके परिवार में केवल एक ही था? बस एक ही था। कितना मांग है एक बार और बता देंगे आप लोग? 10 लाख रुपए का मांग है। माँ बाप का पेंशन? चलिए ठीक है, माँ बाप का पेंशन मिले, इंदिरा आवास मिले और उनके पति का एक नौकरी मिले ताकि उनका जीविका चले। जीविका चले, सही बात। कोई इसका आगे पीछे हाथ नहीं है। बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं ये लोग। इनको सरकार की तरफ से जो है इनको जीने का आधार मिलना चाहिए, ताकि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, ताकि इनका जीवन रूटीन बढ़िया से चल पाए, क्योंकि एक ही बच्चा था इनका और इनका आगे पीछे कोई नहीं है। इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि जो इनको बने वो उनको प्रोत्साहित करे। ठीक है, सरकार जरूर मदद करेगी। और हमारा कहना है यातायात से हमारा निवेदन है कि जो इस बिजली गाड़ी का है वो कम करवाए, ताकि एक्सीडेंट कम हो। बड़ा गाड़ी का नो एंट्री होना चाहिए, बड़ा गाड़ी का नो एंट्री होना चाहिए, जो कि प्रशासन के नियमानुकूल है। कितने टाइम में? 8 बजे से सुबह से लेकर के 8 बजे रात तक। नहीं तो कल के अवेट में अगर आज ये मरता है कल हम लोग भी मर सकते हैं। सही बात है, आज हम मर सकते हैं कल आप भी मर सकते हैं। रियलिटी है, रियलिटी है।